नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म टेनमेंट पर। दोस्तों, जब से फिल्मों ने बोलना शुरू किया तब से ही फिल्मों और उनके गानों का चोली दामन का साथ रहा है। बिना गानों के फिल्मों की कल्पना करना हम और आप जैसे सिने प्रेमियों के बस की बात नहीं रही। इस दौरान जादुई धुनों से हम सभी को सराबोर करने वाले संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त रही है, जिसमें एक नाम है हेमंत कुमार। मन डोले मेरा, तन डोले मेरे, दिल था गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कि सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। महान संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार उर्फ हेमंत दा का जन्म 16 जून 1930 को उत्तर प्रदेश, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, वहां के बनारस शहर में उनके नाना के घर में हुआ था। उनके नाना बनारस के एक प्रसिद्ध फिजिशियन हुआ करते थे। हेमंत दा का पूरा नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय या हेमंत मुखर्जी था। वैसे तो उनके पिता कालिदास मुखोपाध्याय का परिवार जयनगर से था, लेकिन साल 1900 में उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया था। हेमंत कुमार कोलकाता में ही पले बढ़े थे। हेमंत कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के नसीरुद्दीन स्कूल और भवानीपुर स्थित मित्रा इंस्टीट्यूट स्कूल से पूरी की। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद हेमंत ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उस समय उनको संगीत से गहरा लगाव हो गया था और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में ही करियर बनाने की ठान ली थी। निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। हेमंत ने संगीत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक बंगला संगीतकार शैलेश दत्त गुप्ता से ली थी। उन्होंने उस्ताद पयाज खान से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली थी। हेमंत कुमार ने बंगाली, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर ली थी। हेमंत कुमार रविंद्र संगीत में भी बेहद पारंगत थे। संगीत की दुनिया में करियर बनाने की जद्दोजहद के दौरान उनकी मुलाकात उनके लंबे समय तक दोस्त रहे सुभाष मुखोपाध्याय से हो गई, जो बाद में बंगाली कवि बन गए। उनके अलावा हेमंत की दोस्ती चर्चित लेखक संतोष कुमार घोष से भी हो गई थी। हेमंत कुमार को लिखने का भी शौक था और वे छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। संतोष कुमार कविता और सुभाष मुखोपाध्याय गाना गाया करते थे। हेमंत कुमार ने संगीत में कोई बड़ा ब्रेक न मिलने तक साहित्य जगत में अपनी पहचान बनानी चाही और एक बंगाली पत्रिका देश में उनकी एक कहानी भी प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में हेमंत कुमार ने अपना पूरा ध्यान संगीत पर ही लगा दिया। अपने बचपन के मित्र सुभाष की सहायता से हेमंत कुमार को आकाशवाणी के लिए अपना पहला बंगला गीत गाने का मौका मिल गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी पसंद का काम नहीं मिल पा रहा था। हेमंत कुमार के एक सफल संगीतकार और गायक बनने से पहले तमाम म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनियों ने ऑडिशन के दौरान उन्हें ठुकरा दिया था। हेमंत कुमार को लगभग सभी म्यूजिक कंपनियों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि उनकी आवाज़ गाने के काबिल नहीं है, लेकिन उनमें से एक कोलंबिया म्यूजिक ने हेमंत से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बिक्री के लिए लोगों के बीच उतार दिए, जो काफ़ी पसंद किए गए। इसके बाद हेमंत कुमार को पहली बार पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में फिल्म इरादा के लिए गाना गाने का मौका मिला, जो 1944 में रिलीज़ हुई थी। साल 1947 में हेमंत कुमार ने बंगला फिल्म अभियात्री के लिए बतौर संगीतकार काम किया। धीरे धीरे हेमंत कुमार बंगला फिल्मों में बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाते चले गए। इसी दौरान हेमंत कुमार ने
कई बंगला फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें हेमंत गुप्ता के निर्देशन में बनी कई फिल्में शामिल थीं। कुछ समय के बाद जब हेमंत गुप्ता मुंबई आ गए तो उन्होंने हेमंत कुमार को भी मुंबई आने का आमंत्रण दे दिया। साल 1951 में फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी फिल्म आनंद मठ हेमंत कुमार की पहली हिंदी फिल्म रही। हेमंत गुप्ता ने हेमंत कुमार को आनंद मठ में संगीत देने का मौका दिया। ये फिल्म हेमंत कुमार को संगीतकार के रूप में पहचान दिलाने वाली पहली फिल्म बनी। इस फिल्म की सफलता के बाद हेमंत दा बतौर संगीतकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। इस फिल्म का वंदे मातरम गाना आज भी श्रोताओं को देशभक्ति के भाव से सराबोर कर देता है। साल 1954 में हेमंत कुमार के संगीत से सजी फिल्म नागिन की सफलता के बाद हेमंत दा सफलता के शिखर पर पहुंच गए। इसका गाना मन डोले मेरा तन डोले और दूसरा गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा आज भी जब बजता है तो सीधे संगीत प्रेमियों की रूह में उतर जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार ने अपने म्यूजिक करियर के दौरान 2 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता। साल 1959 में हेमंत कुमार ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और हेमंत बेला प्रोडक्शन नाम की फिल्म कंपनी स्थापित की। कंपनी के बैनर तले मृणाल सेन के निर्देशन में एक बंगला फिल्म नील आकाशेर नीचे का निर्माण किया। इस फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद हेमंत कुमार ने अपने बैनर तले 20 साल बाद कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी जैसी कई हिंदी फिल्में बनाईं। साल 1971 में हेमंत कुमार ने एक बंगला फिल्म आनंदिता का निर्देशन भी किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हेमंत कुमार ने साल 1979 में सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में गाए गानों को दोबारा रिकॉर्ड कराया और उसे लीजेंड ऑफ ग्लोरी 2 के रूप में जारी किया। उनका यह एल्बम काफ़ी सफल रहा। उनके बारे में महान म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी ने एक बार कहा था कि ईश्वर यदि गाता होता तो उसकी आवाज़ शायद हेमंत कुमार की तरह ही होती। वहीं महान गायिका लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि हेमंत दा को सुनते हुए हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई साधु मंदिर में बैठकर गाना गा रहा हो। साल 1989 में हेमंत कुमार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड लेने गए हुए थे, जहां उन्होंने एक संगीत समारोह में प्रस्तुति भी दी थी। इसके बाद वे भारत लौटे, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 26 सितंबर 1989 को इस महान संगीतकार और गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी उनके गीत फिजाओं में गूंजते रहते हैं। आप महान संगीतकार हेमंत कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।